हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आजकल दिवाली की सफाइयाँ बहुत ज़ोरों से चल रही होगी सबके घरों में। सबसे महाभारत का काम होता है दिवाली की सफाई करना। उस बीच में अगर दिवाली की मिठाइयाँ बनानी हो तो ये वो और माता पिता का काम हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दिवाली की मिठाई, जो कि बहुत झटपट बन जाती है और इसमें कुछ ही सामान की ज़रूरत होती है। तो उसको बनाने के लिए ना मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया, 1/4 कप मैंने इसमें शुगर डाली और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर इसमें मैंने ना कंडेंस मिल्क यूज़ में लिया है, ये ऑप्शनल। अगर आपके पास नहीं हो ना तो आप इसमें दूध का भी यूज़ में ले सकते हो। जैसे मैंने इसमें 1/4 कप दूध लिया है तो आप उसके जगह 1/2 कप दूध यूज़ में ले सकते हो। और उसमें आप फिर चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ा देना, जैसे 1/4 कप की जगह 1/2 कप चीनी ले लेना। फिर इसको मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर इसको मैंने गैस पर चढ़ाया और इसको लो फ्लेम तक पर पकाने लग गई। फिर इसके अंदर मैंने 1/4 कप नारियल का बुरादा डाला, उसको भी मैं एकदम अच्छे से मिक्स करने लग गई। मिक्स मिक्स मिक्स, थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला और इसको मैंने जब तब तक पकाया जब तक इसका ना एक डो टाइप में तैयार नहीं हो जाए, लाइक ये ना पैन को छोड़ ना दे। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला, घी भी ऑप्शनल है, आप यूज़ में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ एसेंस डाला, सैफ्रोन एसेंस सॉरी, ये भी ऑप्शनल, आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। फिर इसको मैं चलाते गई और ये 5 से 10 मिनट में इसका ऐसे डो तैयार हो गया, इसने पैन को पूरा छोड़ दिया। फिर मैंने एक पॉलीथीन ली, नॉर्मल जो सब्जियों के अंदर पॉलीथीन नहीं आती उसको मैंने धो लिया था और थोड़ा सा उस पर घी लगा लिया था। फिर जो डो था उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको एकदम स्मूथ सा कर लिया और इसके 2 पार्ट कर लिए। एक पार्ट पे मैंने इसके अंदर पिंक कलर यूज़ में लिया है, पिंक फूड कलर। आप इस मिठाई को पूरा वाइट भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, जैसे पिंक कलर का मैंने इसका डो बनाया, पहले मैंने उसको बेल लिया एकदम अच्छे से। अच्छा ये बताओ कि मिल्क पाउडर ना कच्चा कौन खाता है? कच्चा इन द सेंस जैसे मिल्क पाउडर लेके आए और पूरा का पूरा शहर से ना ऐसे मुंह में डाल लेते हैं। मैं तो ऐसा खूब करती हूँ यार, मुझे मिल्क पाउडर बहुत पसंद है। तो हमने ना एक डो को बेल लिया पिंक वाले को और दूसरे को भी बेल लेंगे वाइट वाले को। फिर मैंने जो पिंक वाला बेला था उसके ऊपर मैंने वाइट वाला अपना ये बेला हुआ इसमें लगा लिया और इसको ना बहुत स्मूथली, लाइक बहुत हल्के हल्के हाथों से ना इसका रोल, इसको रोल करेंगे बहुत हल्के हाथों से, वरना ये टूट भी सकता है। हमारे पास वाले फ्लैट में ना आंटी काम कर रही है किचन के अंदर और उनका ना बहुत शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड के अंदर, तो उसको ना थोड़ा अवॉइड करिएगा। फिर मैंने इसको रोल किया एकदम हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हल्के हाथों से रोल किया और इसको ना जैसे 5 मिनट तक रोल किया ना तो ये थोड़ा सा लंबा रोल हो गया और पतला भी बन गया। फिर इसको मैंने वापस से रैप कर दिया उसी पॉलीथीन में और इसको मैंने 1 घंटे तक फ्रिज में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए फ्रिज में निकालने के बाद ये तुम्हारा जो रोल था ये थोड़ा टाइट हो गया। आप इसको बाहर रखोगे ना तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा वापस। फ्रिज में सेट करने के लिए इसलिए रखा ताकि हमारे जो दोनों डो वाले थे ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए और इसका डिज़ाइन हमारा अच्छा बने। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी लग रही है ना दिखने के अंदर। अगर आपके घर पे कोई भी दिवाली पे गेस्ट आएंगे और आप उनको सर्व करोगे ना, ये उनको बहुत अच्छी लगेगी। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उनको उतनी ही अच्छी लगेगी। आज आंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजा रहे हैं, सॉरी हैं उसके लिए। ये देखिए तो आप भी से इस मिठाई को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह आप मिठाई आपको कैसी लगी। सो एंजॉय एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली।